तो गाइस यार आज मेरे पास है दो प्लास्टिक वाला बॉल जो कि मैं लगभग आज से 5-6 साल पहले खेला करता था। और ये जो पीला वाला गेंद है ये लगभग 50 ग्राम का है क्योंकि इसे खेलते खेलते यह खिया भी गया तो इसका साथ वजन भी घट गया होगा। और ये जो ऑरेंज वाला है ये लगभग 25 ग्राम का है, इसे भी मैंने बहुत सारे बैट बॉल खेला है। तो आज हम करने क्या वाले, इसे भेजने वाले आसमान में ऊपर वो सुतली बम के सहायता से। तो करेंगे क्या, हम जमीन में कर देंगे गड्ढा और उसमें सुतली बम को रख देंगे और ये जो गेंद है उसके ऊपर रख देंगे और फिर जैसे सुतली बम में आग लगेगा तो बहुत ही तेज फटेगा और फिर देखेंगे कि आसमान में जाता है या फिर फट जाएगा। इन दोनों को हम बारी बारी से रखने वाले हैं, तो पहले हम रखेंगे इस हल्के वाले को और फिर रखेंगे इस भारी वाले को और फिर देखते हैं कितना मजा आता है वीडियो में। तो वीडियो में आने वाला काफी सारा मजा, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यार हम करने वाले हैं यहाँ पर गड्ढा, तो इसे कुछ इस प्रकार से हम कर लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाला है क्योंकि मैं कोई औजार नहीं लेकर आया हूँ, बस ये थोड़ा सा सोल्डिंग मशीन वाला पड़ा हुआ था तो मैं उसी से देखता हूँ। यहाँ पर देख सकते मैंने गड्ढे को कर दिया और अब क्या करते हैं, इसके अंदर हमें सुतली बम को रखना है और फिर इसमें लगा देंगे आग और इसे कुछ इस प्रकार से रख देंगे और फिर देखना किस तरह से फटता है। तो चलिए यहाँ पर पहले सुतली बम को इसके अंदर डाल देते हैं, तो कुछ इस तरह से सुतली बम को इसके अंदर लगा देना है। तो लगाते हैं इसमें आग और फिर देखना बॉल का क्या हालत आता है। यहाँ पर यार देख सकते हैं यहाँ पर क्या हाल हो चुका है गड्ढा का और बॉल वहाँ लगता है पानी में चला गया और वो भी लगता है फट गया होगा, फट गया था बॉल जो कि पानी में चला गया है। तो अब चलिए दूसरा बार ट्राई करके देखते हैं भारी वाले बॉल को, तो हल्का था इसलिए साथ फट गया होगा, तो हम भारी बॉल को ट्राई करके देखते हैं कि वह क्या हाल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यार यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस बॉल को भी सेटअप कर दिया, तो चलिए इसमें लगाते हैं और फिर किस तरह चलता है। 1, 2 एंड 3 हो ये गेंद तो पूरा ऊपर चला गया, दिख ही नहीं रहा था, लेकिन आखिरकार ये बहुत देर के बाद नीचे गिर गया और आप देख सकते हो इसका हाल क्या हो चुका है। ये काला हो चुका है लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजबूत था। तब चलिए गड्ढे को देखते हैं। ये गड्ढे का क्या हाल हो चुका है, ये पूरा तरह से बर्बाद हो चुका है। तो अभी लग रहा है कि यहाँ पर गड्ढा था। तो वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।